डियर स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में हम लोग आज पार्ट फाइव क्रिया और काल पढ़ेंगे, है ना। दो चैप्टर है इसमें, क्रिया और काल। पहले क्रिया को देखेंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कार्य को करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना, रोना, हंसना, बोलना, ये सब जो है सिर्फ क्रिया है ना। अब इसके बाद आप लोग का यह काल चैप्टर है ना, तो काल चैप्टर इसी में डाला हुआ है। तो देखेंगे काल, यानी कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए कोई भी समय होगा ना, कि किस समय में कौन से कार्य हुआ। तो इसी चैप्टर में इसी ये डाला गया है कि क्रिया पढ़े, क्रिया नहीं काम, और काम जो हुआ वो किस समय में हुआ। तो इसी में है काल। जैसे देखिए, किसी भी क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। यानी कोई भी कार्य को हम जब करते हैं तो कौन से, है ना, समय में करते हैं, इसे ही हम लोग काल कहते हैं, है ना। यानी अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्लियर। अब है काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जो कार्य किए जाते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, इसे यह स्पष्ट पता चलता है कि अभी नहीं, पीछे हम लोग खाना खाएं, यानी कल खाएं या परसों खाएं या दो महीना बाद खाएं, या सर्टेन पता नहीं चलता, यानी यह भूतकाल को संबोधित कर रहा है। दूसरा आपका वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, यानी अभी बोल रहा हूं, मैंने अभी घटित हो रहा है ना। वह खेलता है, इस बात से पता चलता है वो अभी क्या कर रहा है, खेलता है, यानी यह हो गया वह वर्तमान काल। तीसरा आपका है भविष्य काल, यानी जिन कार्यों को भविष्य में आने वाले समय में करेंगे उसे भविष्य काल कहते हैं, है ना। यानी भविष्य में होगा, जैसे वर्षा होगी, अब वर्षा हो भी सकती है और न भी हो सकती है, हो सकता है कल होगी या दो महीना बाद होगी, निश्चित यह पता नहीं चलता, लेकिन होगी यानी भविष्य की बात बता रहे हैं। वही है भविष्य में होने वाले कार्य को भविष्य काल कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में देखा पार्ट फाइव में क्रिया और काल। तो क्रिया के भेद अभी क्लास फाइव में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्रिया किसे कहते हैं वो पढ़ना है, उसके बाद काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं इसका अध्ययन करना है, जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है ना। थैंक यू।